रिश्तेदारों से परेशान महिला की अरदास, जायदाद के खातिर जेठ करता है पिटाई, कई दिनों से बेचारी लगा रही है थाने के चक्कर, अब प्रशासन को दी आत्महत्या करने की धमकी। इसके बारे में अगर अब की सुनवाई हो गई तो हो गई, नहीं तो अब थाने पे नहीं आएंगे, आत्महत्या कर लेंगे बच्चे लोग को लेकर आत्महत्या कर लेंगे। क्यों? इसलिए दौड़ते दौड़ते 4 साल से थक चुके। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये महिला आत्महत्या करने की ही धमकी दे रही है। इसने साफ लफ्जों में कहा है कि अगर अब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो वो अपने 2 बच्चों के साथ खुदकुशी कर लेगी। आज एप्लीकेशन नहीं दिए, 22 तारीख को दिए थे, 16 तारीख को आज दिए हैं। अभी एप्लीकेशन दिए हो ना? हाँ, इसके पहले 22 तारीख दिए। हाँ। पुलिस गई थी कि नहीं? नहीं, पुलिस नहीं गई थी आज। इसके बारे में अगर अब की सुनवाई हो गई तो हो गई, नहीं तो अब थाने पे नहीं आएंगे, आत्महत्या कर लेंगे बच्चे लोग को लेकर आत्महत्या कर लेंगे। क्यों? इसलिए दौड़ते दौड़ते 4 साल से थक चुके। तहसील दिवस पे भी डाले थे और कप्तान के यहाँ भी डाले थे 2 बार और SDM के यहाँ भी डाले थे 3 बार, ISDM के यहाँ डाले थे, हर जगह डाल चुके हैं। सचिव सहेली के यहाँ भी गए थे, वहाँ भी किए थे एप्लीकेशन, कुछ भी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजह अन पड़ी है कि ये महिला इतना बड़ा कदम उठाने को मजबूर हो गई। तो जनाब, इसके पीछे पुख्ता वजह है और वो वजह है उसके रिश्तेदार, वो रिश्तेदार जो रोजाना छोटी छोटी बातों पर उसकी पिटाई करते हैं। ये मामला आजमगढ़ के सराय मीर थाना इलाके के कमलापुर गांव का है, जहां रहने वाली रूपी थाने पर अपनी गुहार लेकर आई थी। रूबी की माने तो उसके जेठ करार अहमद और गुड्डू ने बीती 16 मई को उसकी पिटाई की, जिससे उन्हें अंदरूनी चोटें आईं और इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन ये मामला यही नहीं थमा। रूबी के मुताबिक उनके जेठ छोटी छोटी बातों पर पहले झगड़ा करते हैं और फिर उनकी पिटाई करते हैं। वहीं पीड़िता के मुताबिक शिकायत करने पर उनके पति को ही पुलिस उठाकर थाने ले गई और घंटों तक बैठा कर रखा। पीड़िता का आरोप है कि उनके जेठ करार और गुड्डू की हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने से लेकर SP ऑफिस तक और SDM से लेकर सखी सहेली तक की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे महिला काफी परेशान है। रूबी ने साफ लफ्जों में धमकी दी है कि अगर अब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो वो अपने 2 मासूम बच्चों के साथ आत्महत्या कर लेंगी। पीड़िता ने सरेआम मीडिया के सामने आत्महत्या करने की धमकी दी है। इसके बारे में अगर अब की सुनवाई हो गई तो हो गई, नहीं तो अब थाने पे नहीं आएंगे, आत्महत्या कर लेंगे बच्चे लोग को लेकर आत्महत्या कर लेंगे। क्यों? इसलिए दौड़ते दौड़ते 4 साल से थक चुके। हमारे जेठ मारते हैं रोज डेली, घर का भी बात है, घर का बंटवारे 16 मई को और 22 मई को, फिर आज 21 जून को मारे। करार हुसैन हमारे जेठ हैं, गुड्डू फलमदार हुसैन और उनके 3 लड़के हैं, उनकी बीवी दोनों लोग की हैं, एक महनाज बेगम गुड्डू की बीवी, करार की बीवी रेशमा। हाँ, बस थोड़ा सा कुछ झगड़ा ढूंढ के मारना चालू कर देते हैं। हाँ, झगड़ा जब भी होती तब भी मारते हैं। कहाँ चोट लगी है? सिर में लगी है, पैर में, पीठ पे है, हाथ पे है। वहीं जब पत्रकारों ने इस बाबत दरोगा श्याम सिंह से बात करनी चाहिए तो उन्होंने इस मामले पर कोई पुख्ता जवाब नहीं दिया। ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी महिला ने पुलिस के ढुलमुल रवैये की वजह से खुदकुशी की धमकी दी, बल्कि बीती 18 जून को शाहजहांपुर में भी एक लड़की ने पुलिस की हीला हवाली के चलते जहर खा लिया। लड़की के मुताबिक ब्लॉक प्रमुख के बेटे ने उससे आर्य समाज मंदिर में शादी की थी और अब वो उसे अपनाने से इनकार कर रहा है। इससे नाराज लड़की ने एक वीडियो वायरल करते हुए खुदकुशी करने की धमकी दी थी, लेकिन वक्त गुजर जाने के बाद ही पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसे आहत पीड़िता ने जहर खा लिया। गनीमत रही कि परिजनों ने उसे सही वक्त पर अस्पताल में भर्ती करा दिया, जिससे उसकी जान बच गई।
लिहाजा अब ऐसा डर है कि अगर सरायमीर पुलिस ने सही वक्त पर कोई कार्रवाई नहीं की तो रूबी भी कोई ऐसा खौफनाक कदम ना उठा ले। आजमगढ़ से न्यूज टाइम नेशन के लिए अबुल बशर आजमी के। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।